अगर हम नव संवत्सर के इतिहास की बात करें तो इसकी शुरुआत सक्री महाराज विक्रमादित्य ने की थी। ब्रह्म पुराण में मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही सृष्टि बनी थी, इसलिए यही वह दिन है जब से भारतवर्ष की काल गणना की जाती है। भारतीय नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से होती है। इसका आरंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसीलिए इसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। तो यह एक छोटी सी जानकारी संवत्सर के संबंध में थी। अब हम बात करते हैं संवत्सर कितने होते हैं और सीरियल वाइज संवत्सर के नाम क्या क्या है। टोटल संवत्सरों की संख्या 60 है। जिस तरह से हमारे हर साल में महीने रिपीट होते हैं, यानी कि जिस तरह से साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने क्रम वाइज चलते हैं, जैसे ही 12 महीने खत्म हो जाते हैं पुनः से फिर शुरुआत वहीं से हो जाती है, यानी कि जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ऐसे ही दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद से फिर जनवरी आ जाती है। इसी तरह विक्रम संवत भी है, विक्रम संवत टोटल 60 है। ठीक उसी तरह से यह भी क्रम अनुसार चलते हैं, जिस तरह से हमारे साल के 12 महीने चलते हैं, यह 60 होने के पश्चात फिर पुनः एक से आ जाएगा। तो अब मैं उन संवत्सरों के नाम गिनाने जा रहा हूं आपको, और आगे आने वाले समय में यानी कि 2023, 2024, 2025 में कौन कौन से संवत्सर आने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी प्राप्त हो। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब हम क्रम अनुसार इन संवत्सरों की बात करते हैं, मैं क्रम अनुसार इन्हें बोलता जाऊंगा। प्रभाव, विभाव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, वृषप्रजा, चित्रभानु, शुभानु, तारण, पार्थिव, अव्ययी, सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मनमथ, दुर्मुख, हेमलंबी, विलंबी, विकारी, सारवरी, प्लव, सुपकृत, शोपकृत, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, कीलक, सौम्य, साधारण, विरोधाकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, आनंद संवत्सर। इस संवत्सर का लोप हुआ था, इस संवत्सर को 2021 में होना था, यानी कि 21-22 के पीरियड में, लेकिन इस संवत्सर का लोप हो गया था। इसी वजह से उस साल आनंद न होकर राक्षस संवत हुआ था। अभी वर्तमान समय में जो चल रहा है वह नल संवत्सर चल रहा है, यानी कि 2022 और 23 में। 2023-24 में आएगा पिंगल, 2024-25 में आएगा कालयुक्त, 2025 और 26 में आएगा सिद्धार्थी, 2026-27 में आएगा रौद्र, 2027-28 में दुर्मति, 2028-29 में दुंदुभी, 2029-30 में आएगा रुधिरोगदारी, 2030-31 में आएगा रक्ताक्षी, 2031-32 में आएगा क्रोधन, 2032-33 में आएगा क्षय। तो इस तरह से यह 60 संवत्सर पूरे हो जाएंगे, फिर पुनः से पहले संवत से इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी कि पुनः से लौट कर आ जाएगा फिर प्रभाव, इसी क्रम में लौट कर आ जाएंगे, यह दोबारा से फिर 60 बार फिर रिपीट होंगे। तो इस तरह से हमारे जो 60 संवत्सर हैं वह पुनः से लौट कर आते हैं। तो यह संवत्सर के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।